नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं आपके यूकेपीएससी लेक्चर से संबंधित सिलेबस। सो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शिक्षण अभिरुचि एलटी से थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, लेकिन काफ़ी अलग सा होता है। इसमें उम्मीद मत कीजिएगा कि आप एलटी के जैसा कुछ सरप्राइज आपको मिलेगा। पार्ट फर्स्ट में आपको कोई भी सरप्राइज देखने को नहीं मिलता है। एज इट इज जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं अभी तक, फिलहाल जो पेपर हुआ है इससे पहले उसके हिसाब से। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आपने क्या पढ़ना है, राधा कृष्णन आयोग पढ़ना है, मुदालयर आयोग है, कोठारी आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद हो गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी और ई गवर्नेंस। सो ये पार्ट फर्स्ट, ये आपने लगभग लगभग जो एलटी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको कोई दिक्कत आनी है नहीं, और थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से यूनिट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा है इसमें शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण से संबंधित, इसमें आपका शिक्षण कौशल आता है, शिक्षण की विधियां हैं, प्रविधियां हैं, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, इसमें संप्रेषण के प्रकार आते हैं और अच्छे संप्रेषण की विशेषता है, ठीक है। हिंदी माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ कि काफी पुराने लोग जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और कई लोग इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं, और टाइम मिलेगा तो मैं इंग्लिश में भी उसमें जो है जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने लाने की। अब मूल्य आधारित शिक्षा, इसमें मूल्यों के प्रकार हैं, व्यक्तिक है, सामाजिक मूल्य, मूल्यों के जो ह्रास है, ठीक है, उसमें डिक्रीजमेंट के कारण क्या है, शिक्षा द्वारा जो मूल्यों का उन्नयन है वो कैसे करा जा सकता है, कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन हो गया आपका, प्रशासन हो गया, और विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय छोड़ने के कारण समाधान, ये बच्चों से रिलेटेड, और शिक्षा में कंप्यूटर, कंप्यूटर की शिक्षा है, आधारभूत ज्ञान है कंप्यूटर का, इसकी आवश्यकता क्यों है, प्रयोग कैसे कर सकते हैं, शैक्षिक तकनीकी, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाती है, उसकी प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता, उपयोग, मतलब ये जो सिलेबस है अगर जिसने पार्ट फर्स्ट एलटी के सिलेबस अच्छे से कवर किया उसका बहुत इजी पढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि हो गया, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका है, शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ, ठीक है। अब ये तो होगी पहली यूनिट जिसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, 40 मार्क्स का आपका ये आने वाला है। सामान्य अध्ययन में देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, खेलकूद मनोरंजन इसमें आ जाता है आपका, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का इतिहास थोड़ा सा पढ़ना है इसमें आपको, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के बारे में, संस्कृति, भारतीय संस्कृति और उससे जुड़े राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र निर्माण की गतिविधियाँ इत्यादि, भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान है, प्राकृतिक संसाधन, इसके प्रकार, नियोजन, संरक्षण और संवर्धन। अब भारतीय शिक्षा संविधान इसमें पढ़ना है आपको, इसकी क्या विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हैं, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसमें 1986, बौद्धिक संपदा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सूचना का अधिकार 2005 इत्यादि दिया है। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है RT20 को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईलाइटेड मुद्दा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित जो संगठन है, और सामाजिक विज्ञान, दैनिक जीव विज्ञान में क्या उपयोगिता है, दैनिक विज्ञान जीवन में जो है आपकी विज्ञान की क्या उपयोगिता है, आपका पर्यावरणीय विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे जिसमें आपका विकास से जुड़ी हुई समस्याएं पूछी जा सकती हैं, जनसंख्या वृद्धि पर आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण है, जलवायु प्रदूषण है, और इन समस्याओं से बचने के उपाय भी, ठीक है, इत्यादि लिखा हुआ। लेकिन आप इतना भी कवर करते हैं ना तो काफ़ी कुछ हो जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा है आपका,
इसमें इकोनॉमिक्स आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यवस्था कैसी है, और कृषि वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास की दशा एवं दिशा। ठीक है, फिर तीसरे खंड में आपका उत्तराखंड आ जाता है। ये आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। अभी तक आपका हो गया 40 मार्क्स, 35 मार्क्स, फिर 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में आपका सामान्य भूगोल उत्तराखंड का जो है, इसका स्थिति कैसी है, विस्तार कैसा है, आपका संरचना कैसी है, ठीक है, जलवायु, जल प्रवाह, जनसंख्या की बात करें, प्रवास की बात करें, और जो हमारे यातायात हैं, संचार तंत्र हैं, और हमारे राज्य की प्रतीक क्या है, ये सब चीज़ें आपकी पढ़नी है। इतिहास की बात करें उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल में इन्होंने बांटा हुआ है, और इसमें जो आपका निवास करने की जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, राजवंश हैं, ठीक है, इसमें आपके कुड़िंदा आगे, पौरव आगे, और कत्यूरिया आगे, ठीक है, उत्तर कत्यूरी हो गए, चंद और पवार राजवंश है, ठीक है। आधुनिक काल में गोरखा एवं ब्रिटिश काल आ गया, स्वाधीनता आंदोलन है आपके, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैसा परिदृश्य है, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो उत्तराखंड के प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परीक्षे प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति, प्रमुख आंदोलन जिसमें जो नाम लिखे गए इनको आप जरूर पढ़िएगा, कुली विकार है, बेकार है, सॉरी, टोला पालकी है, वन आंदोलन है, पृथक उत्तराखंड, राज्य आंदोलन इत्यादि, ठीक है। इससे आर्थिक विकास हो गया आपका, जो विकास पर योजनाएं हैं, ठीक है, अब नाम दिए तो उन्हीं को पढ़ना है आपने, ठीक है, और क्योंकि वहां पर फोकस करना है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे समसामयिक घटनाएं आपकी, खेल कूद मनोरंजन दे दिया, तो कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड जो मीन है, कोई कौन हाईलाइटेड चीजें हैं। अब सामान्य बुद्धि में आपका क्या है, इसमें 25 मार्क्स का है, थोड़ा सा जीएस जो आजकल हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है, रीजनिंग जो वर्ड है वो यहाँ पर आ जाता है, इसमें शाब्दिक आपका अशाब्दिक, ठीक है, कार्य वेतन वाला इसमें पे आता है, आपका लाभ हानि आता है, और लॉसो मोसो ये सब पढ़े हुए आपने, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो दिशा बोध है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न, रेलगाड़ी, नाव, ये सब क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को, इसमें प्लेलिस्ट देखेगा आप लोग उत्तराखंड यूके पीएससी की, और इसमें चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें मिल भी जाएंगी, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को जो है ये प्रैक्टिस करा दूंगा, पीवाईक्यूज लेकर आऊंगा मैं जल्दी, तो इसमें से आप लोगों को टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। फिर 5वीं यूनिट जो है 20 मार्क्स की, इसमें आपसे बहुत ही नॉर्मल सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, जैसे आपके पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, और वाक्यांश से एक शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि 5वीं यूनिट में आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, और इसका जो है पार्ट फर्स्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं पे फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कहीं पे आगे कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कोई पर्टिकुलर नीट आप पहले स्टार्ट करना चाहें तो उससे भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।